दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारी इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए लोकोमोटिव से रिलेटेड, जहां पर 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव हमने भेजे हैं बांग्लादेश को, और जो पीएम ऑफ बांग्लादेश को हमने कमिटमेंट की थी अक्टूबर 2019 में, वो अभी फुलफिल कर दी गई है। तो दोस्तों वैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रेल लाइन्स है उनके कनेक्शन का काम जो है वो पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से चल रहा है। अब जो इंडिया एग्जिस्टिंग था पहले, वहां पर आप जानते हो कि इंडिया बांग्लादेश एक ही थे, तो जिस वजह से कई सारे रेलवे जो है इस एरिया में से क्रॉस करते थे, तो इन लाइंस को बंद कर दिया गया था आजादी के बाद में। धीरे धीरे टेंशन बढ़ रहे थे, फिर वही पाकिस्तान वगैरह था, लेकिन यहां पर 9 ऐसे कनेक्शन हैं जिनको रिन्यू किया गया है, और अब लोकोमोटिव भी इंडिया बांग्लादेश को दे रहा है। इसकी वजह से ना सिर्फ हमारे नेबर के साथ में हमारा टाइप ज्यादा बेहतर हो रहा है, लेकिन ट्रेड वगैरह में भी बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। अगली खबर दोस्तों आई जो फिर से रेलवे प्रोजेक्ट से, ये जो डायरेक्टली इंडियन रेलवे के अंतर्गत नहीं आती, और ये प्रोजेक्ट है के राइड से, जिन्होंने बिड्स इन्वाइट किया है डिजाइनिंग बिल्डिंग के लिए बेंगलुरु सबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट के अंदर। दोस्तों ये प्रोजेक्ट ऐसा था कि 2-3 साल तक हमें बस इसके बारे में धीरे धीरे सुनने मिल रहा था, लेकिन जब से काम शुरू हुआ है तब से बहुत ज्यादा तेजी से काम होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब दोस्तों लास्ट वीक हमने ट्रेन के लिए बिड जो है वो अनाउंस होकर जो है बिडिंग खत्म होते हुए देखी, इसके बाद में भी स्टेशन की बिड चल रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी काफी अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है। तो जो स्टेशन की बिड है उसके हिसाब से 12 स्टेशन बनने हैं मलिक लाइन पर, जो कॉरिडोर 2 होगा, और जो 12 स्टेशन होंगे उनमें से 2 होंगे एलिवेटेड, बाकी जो होंगे वो इंटरचेंज स्टेशन होंगे, और बाकी ग्राउंड लेवल पे होंगे। यहाँ पर जो कंपनी को स्टेशन बनाना पड़ेगा उनको स्टील के फुट ओवर ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, रूफ स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रक्चर्स, और प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल्स के जरिए स्टेशन बनाना पड़ेगा। जो इंटीरियर डिटेल डिजाइन है, इंजीनियरिंग है, वो ईएम ने वैसे कंप्लीट की है, जिसके हिसाब से बिड जनरेट की गई है। तो जो भी कंपनीज आके इन स्टेशन को बनाने काम करेगी उनके पास में रेडी डिजाइन होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से रिलेटेड, जब रात के समय में MiG-29 के फाइटर जेट्स को लैंड करने का जो टेस्ट किया जाना था वो सक्सेसफुली कर लिया गया है। तो नेवी ने कहा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ये था, डेमोन्स्ट्रेशन करना ये डिफिकल्ट था, और रिजॉल्व स्किल और प्रोफेशनलिज्म की वजह से ये होने में सक्सेसफुल रहा है। तो दोस्तों आईएनएस विक्रांत 45,000 टन भारी हमारा शिप है, और इसका ऑपरेशनल एयरविंग जो है वो अगले साल कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। वैसे दोस्तों विक्रांत के बारे में जो लोग नहीं जानते, ये शिप बन चुका है, लेकिन बहुत लंबे समय से इसके सी ट्रायल चल रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग चीज़ें अभी टेस्ट करना जरूरी है इसके फुल डिप्लॉयमेंट के पहले, और ऑलमोस्ट साल भर पहले से ये काम चल रहा है जो अभी तक जारी है। होपफुली अगले साल तक जो है डायरेक्टली सर्विस में एंटर होता हुआ नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है सेकंड फेज ऑफ मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे या समृद्धि महामार्ग से रिलेटेड, जहां पर पिछले साल इसका अप्रॉक्सिमेटली 500 किलोमीटर का सेक्शन ओपन हुआ था, और अभी एडिशनल 80 किलोमीटर का सेक्शन ओपन किया गया है फ्राइडे के दिन। तो ये जो सेक्शन है ये शिरडी से जाके आगे बढ़ेगा भावीर तक, और बेसिकली इसके बाद में जो सेक्शन बचेगा वो होगा बहुत ज्यादा लंबी टनल, जो इंडिया की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल होंगी, और उसके बाद में मुंबई तक का नोड जहां पर काम काफी स्लो चल रहा है। तो ये जो नेक्स्ट वाला नोड ओपन किया गया है वो 3,200 करोड़ की कीमत से बना, 18 माइनर ब्रिजेस, 7 मेजर ब्रिजेस, 53 अंडरपासेस, 3 इंटरचेंजेस, 56 टोल बोज, 6 वे ब्रिजेस, ये सब कुछ इंक्लूडेड है नए वाले फेज के अंदर। तो दोस्तों अभी सिर्फ देर ये है कि मुंबई वाला फेज कब खुलेगा। वैसे लोगों ने कहा है कि 2024 तक ही खुल जाना चाहिए, लेकिन जो काम चल रहा है थाने से लेके आमने विलेज तक का वो बहुत स्लो है, और आमने विलेज से लेके जो एक्चुअल में इगतपुरी तक का काम है वो भी वैसे डिसेंट पेस में चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ सेक्शंस में ऐसा है कि अभी भी रिसेंटली काम शुरू हुआ है तो उसको होने टाइम लगेगा। साथ साथ जो इस रोड का डिजाइन है मुंबई साइड में वो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के साथ में इंटरचेंज होकर खत्म होता है, और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे काफी पीछे है अपने प्रोग्रेस के अंदर, जिसकी वजह से इसका एग्जैक्ट बाद में किस तरीके से बनकर रूप तैयार होगा ये देखना भी पड़ेगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है कोलकाता से, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के अंदर इन्वेस्ट होने वाले 4,000 करोड़ रुपए अगले 8 सालों तक, यानी 2030 तक इसकी कैपेसिटी को एक्सपांड करने के लिए, और कैपेसिटी पहुंचाई जाएगी 130 मिलियन टन की तरफ। तो दोस्तों यहां पर पोर्ट की फिलहाल जो कैपेसिटी है वो है 87 मिलियन टन ऑफ कार्गो, और इसको बढ़ाकर 110 मिलियन टन ऑफ कार्गो कर दिया जाने वाला है 2030 तक। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कोलकाता से ही, जहां पर जो 80 साल पुराना हावड़ा ब्रिज है इसका अभी एक हेल्थ चेकअप होने वाला है जो काफी डिटेल्ड होगा। दोस्तों हर 11 साल में वैसे हेल्थ चेकअप होता है, जहां पर इस ब्रिज की हेल्थ क्या, इसको जरूरत है क्या, यहां पे जो चीजें हैं उनको मेंटेनेंस की बेहतर जरूरत है, क्या ब्रिज सेफ वगैरह है, इन चीजों को जानने के लिए हेल्थ चेकअप किया जाता है, और IIT मद्रास, कोलकाता पोर्ट, ये दो बॉडीज मिलकर इसका चेकअप का काम करेंगे। और वैसे दोस्तों ये लंबा समय होता है चेकअप होने के बाद में चीजें से पता चलती है, तो इसको बीच का मेंटेनेंस का भी काम शुरू होगा। अगली दोस्तों को बता रही है जम्मू एंड कश्मीर के लीडर इन गवर्नमेंट से, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है वायल ट्रस ब्रिज, जो श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पे मौजूद है गंदेरबाल के पास में। तो दोस्तों G20 मीटिंग आप जानते हो कश्मीर के अंदर हुई, यहां पर जो सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनको शोकेस करने के लिए, टूरिज्म सेक्टर को शोकेस करने के हिसाब से कई सारे काम जो किए जा रहे थे उसके अंतर्गत ही ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर यहां के लोकल लोगों को भी ये बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे मदद
बात करेगा। अगली दूसरी जो खबर आ रही है वो है अयोध्या से, जहाँ पर एक नई क्रूज शुरू होने वाली है गुप्तर घाट से लेकर नया घाट के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर जो अलग अलग घाट होंगे अयोध्या में, इनको कनेक्ट करते हुए जाएगी, जहाँ पर राजघाट, लक्ष्मण घाट, राम घाट, जानकी घाट, ये अलग अलग घाट्स को कवर करते हुए ये पूरी क्रूज गुजरेगी और लोगों को नया घाट पे टर्मिनेट करते हुए अयोध्या की हिस्ट्री बताएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, जिन्होंने परमिशन दे दी है कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए फेज 260 किलोमीटर लॉन्ग बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों इसका एक हिस्सा वैसे ओपन हुआ था यहाँ पर, दोस्तों वैसे इसका एक जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फेज के अंदर वाइल्ड लाइफ की परमिशन जरूरत थी और जो अलाइनमेंट इसका पास होता है वो है पालम ने रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर से, और 50 किलोमीटर का सेक्शन यहाँ से गुजरता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन होने की वजह से काफी ज्यादा डिफिकल्टीज थी परमिशन ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन वो मिल गई है जिसके बाद में कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो गजराज नागरिक पूछते हैं, डोंट यू थिंक इंडिया नीड डेडिकेटेड रिफॉर्म इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इफ येस देन व्हाट आर द मेजर्स बीन अंडरटेकन। तो देखो यार ये सच बात है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि देश के अंदर ज्यादातर जो शहरों के अंदर वेदर प्रेडिक्शन होती है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होती, काफी पीछे होती है और कई लोग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इसके से गालियां भी देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वेदर प्रेडिक्शन है ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क से ह्यूमन के लिए। इनफैक्ट अगर आप दुनिया के सम ऑफ द पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स के बारे में देखेंगे तो उनको वेदर प्रेडिक्शन जैसी चीजों के लिए यूज किया जाता है। यूएस जैसे देश है जो डेली बेसिस पर हंड्रेड्स ऑफ वेदर बलून्स रिलीज करते हैं, उनके पास में स्पेसिफाइड लोकेशन पर डॉपलर रडार्स वगैरह होते हैं, जिसके वजह से वो एटलीस्ट बेसिक से एडवांस लेवल तक की वेदर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और अपने लोगों को टोर्नेडो वार्निंग्स, हरिकेन्स वार्निंग, ये सब चीजें दे सकते हैं। अब इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लंबे समय तक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स को कुछ पैसा ही नहीं मिलता था, तो वो लोग प्रेडिक्शन कैसे करेंगे सही से। अगर आपको इसका एग्जांपल दूं तो ब्रिटिशर्स के जमाने में मुंबई में दो डॉपलर रडार थे, कोलाबा और सांता क्रूज के अंदर, और अभी 2021 तक दो ही डॉपलर रडार, जिनमें से एक रडार तो ब्रिटिश जमाने का ही था। तो यहां पर ये इस तरीके की कंडीशन अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की होगी तो वो दुनिया के लेवल पर कैसे प्रेडिक्शन कर पाएगी, हम अभी 60-70 ईयर्स पीछे है। रिसेंटली कुछ कुछ जगहों पर जो है न्यू डॉपलर रडार, न्यू बजट्स वगैरह दिए गए स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काम चल रहा है, काम हालांकि बहुत स्लो है। लेकिन अगर हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को रिफॉर्म करना है, हमें वेदर क्लाइमेट वगैरह जो है वो ठीक से प्रिडिक्ट करना है, तो बहुत ही ज़्यादा बड़े मेगा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी, इस पूरे की पूरे डिपार्टमेंट को यूनिफाई करने की जरूरत पड़ेगी देश के अंदर के सारे सारे वेदर स्टेशन को, जो कि करना अब तक तो वैसे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लग नहीं रही। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में #askpt के साथ में वो पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। अगर आप फर्स्ट होती हो न्यूज़ देने के लिए तो आपको क्रेडिट मिलता है हमारे टाइम स्टैम्प्स के अंदर। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।